प्रभु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ममता शर्मा आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए महाराज जी। आज मैं पहली बार यहाँ आई और मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, जो मैं रोज़ परेशान हो रही थी, तो वो आपने कथा में बहुत सारे बताए। क्या क्या जवाब चाहिए था? मुझे बहुत सारे थे, आपने रिश्तों के लिए जो बताया कि ये ऐसा मिला है, तो मैं बहुत थी कि मुझे ही ऐसा क्यों मिला, तो वो मेरे कर्म थे कि वो मुझे जो ऋण चुकाना है तो वो तो निश्चित ही मुझे चुकाना है, लेकिन प्रभु की भक्ति से उनको और सरल बनाया जा सकता है। महाराज जी मैं आपकी ये कृपा चाहती हूँ कि जब भी मैं पूजा करती हूँ, वैसे तो मेरे मन में हमेशा राम जी कृष्ण जी रहते हैं, ठाकुर जी की कृपा भी रहती है मुझ पर, और कई बार तो ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी हाथ पकड़ के नैया पार कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉपर पूजा नहीं कर पाती। प्रॉपर पूजा का मतलब क्या है? मंदिर में जो डेली रूटीन में जो पूजा, वो मैं नहीं कर पाती महाराज जी, पता नहीं क्यों वो मेरा पूजा नहीं है। वो करना चाहिए मन की एकाग्रता के लिए है, औपचारिकता है। सच्ची पूजा क्या है, हमने कथा में खूब समझाया है जी, कि अपने कर्म को करते हुए ये मानना कि मैं नहीं कर रही हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान कर रहे हैं। जो चलते फिरते ये मान ले कि भगवान ही सब कर रहे हैं, आज की कथा में भी हमने इस बात को टच किया था जी, तो ये मान ले जो आदमी कि सब भगवान के हाथ में है, आज ही हमने बताया हानि लाभ जीवन मरण यश, जो मान ले सब भगवान की इच्छा से है, तो वो चलता फिरता ही भक्त है जी, बैठ के भक्ति करना, नहलाना धुलाना भगवान को, वो सही है जी। पर आप नहीं कर पाते तो आप ये ना समझो कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं जी। सब भगवान कर रहे हैं, ये मेंटलिटी बना लेना भी भक्ति है। सर मेरा महाराज जी एक और क्वेश्चन है, जब भी मैं रामायण जी ये पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मेरा भी मन करता है, लेकिन कृपा है मुझ पे प्रभु की, बहुत कृपा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, कई बार हॉस्पिटल से ऐसे कुछ आते हैं तो मेरे एक फ़ोन पे वो हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ ठाकुर जी ने कर दिया, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है ठीक। तो लेकिन जब जैसे भी मैं रामायण जी या कुछ पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे उवास ही आने लग, मतलब मैं पढ़ नहीं पाती, तो ऐसा क्यों? लेकिन मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। तो पढ़ लीजिए, पढ़ना जब उवासी आए तो आती रहे उवासी, पानी लेके बैठो बगल में, पानी पीते रहो जी जी जी। कब तक आएगी ये? तो देखो जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं ना, तो हमारे भीतर जो पाप बैठा है, जो कलयुग समाया है, वह चाहता है कि हम कोई पुण्य ना करें तो वह हमारे भीतर घुसा रहे। आप जो भी पुण्य करते हैं तो वह कलयुग या तो नींद के रूप में आ जाता है, उवासी के रूप में आ जाता है, आलस्य के रूप में आ जाता है, विवाद के रूप में खड़ा हो जाता है। जब भी आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तभी व्यवधान क्यों आता है? क्योंकि अंदर का कलयुग, अंदर के पाप नहीं चाहते कि आप पुण्य करें, करेंगे तो उन्हें निकलना पड़ेगा। इसलिए महाराज जी कुछ काम तो मेरे से ऐसे हो जाते हैं कि मुझे खुद को भी नहीं पता होता, जैसे कुष्ठ आश्रम में कहीं गई और किसी के हॉस्पिटल्स की। महाराज जी एक और सवाल है, मुझे पता है बहुत सारे लोग आपसे सबको पूछना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा समय लीजिए सब। महाराज जी जब हमें हमारी लिमिट्स पता है तो ठाकुर जी इतने बड़े सपने क्यों देते हैं? कि कई बार वही जुनून दिमाग में घूमता रहता है कि अब ये कैसे पूरा होगा और उसका कोई रास्ता भी नजर नहीं आता। भगवान सपने नहीं देते, सपने हम और आप अपने से देखते हैं जी। भगवान सपने नहीं देते, भगवान तो सपने में खुदा के दर्शन देते हैं कभी कभी जी। बाकी भगवान नहीं कहते कि तुम इतना बड़ा सोचो, ये करो, भगवान कहते हैं सोचो ही मत, जो होना है वो मैं कर ही दूंगा, तुम्हारे सोचने से क्या होना है। इनको दो भैया। राधे 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 जी। सर मेरी मदर की बीमारी चल रही है, डॉक्टर को एल्जाइमर नाम देते हैं, उन्होंने 70 के आसपास की एज है, 75। उन्होंने शुरू से ही खूब ठाकुर जी की पूजा की है, गोविंद देव जी की पोशाक भी चढ़ाई है, अपने हनुमान जी की भी चढ़ाई है हमारे। आज उनके इस समय का जो टाइम चल रहा है बहुत खराब चल रहा है। क्या समय खराब है? खराब ये है कि वो अब मतलब उनकी मेमोरी लॉस्ट हो रही है। ठीक है। वो क्या रही है, वो मुझे भी नहीं पहचानती, इवन कि मेरे फादर को भी नहीं पहचानती, हम लोगों के सामने हमें याद करती है। अब उनका हम कहते हैं कि जो इन्होंने अच्छे कर्म किए, आज उनका ऐसा कौन सा कर्म है जो, तो क्या बोलती रहती है, भगवान का नाम लेती है? भगवान का नाम तो सर वो बिना पूजा करे तो रह ही नहीं सकती नहीं। आज की तारीख में अभी आपको नहीं पहचानती? नहीं, मैं मतलब कभी कभी सडन ऐसा उनका टाइम तो जब नहीं पहचानती उस समय वो किसको याद करती? वो मेरा ही नाम लेंगे कि जैसे मेरा नाम आशु लेती है कि आशु कहाँ है मेरे छोटे,
दोनों सिस्टर का लेते हैं। मैया से बोलना कि भगवान का चिंतन करें कर और देखिए आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं कि उन्होंने सारी जिंदगी पुण्य किया तो उन्हें ऐसा क्यों भोगना पड़ रहा जी, बिल्कुल ये सवाल है। हम इस चीज के मैं गलत नहीं बोलूंगा, भगवान को कई बार मैं दोष देता हूँ कि भगवान आप जो इन्होंने इतना समय निकाल दिया इतना अच्छा। सुनो इसका उत्तर सुन लो। देखो ऐसा होता है जी, आप जिस मोहल्ले में रहते होंगे जिस सोसाइटी में रहते होंगे आपके आसपास कोई छोटा मोटा डॉक्टर तो होगा। हाँ जी। है ना, जब आपको जुखाम होता है सर्दी होती है छोटा मोटा कोई कष्ट होता है तो आप डायरेक्ट अपने पड़ोसी वाले डॉक्टर को बुलाते हैं या डायरेक्ट हॉस्पिटल भागते हैं, पास वाले को। है ना भाई, छोटा रोग है तो आप पड़ोसी डॉक्टर से ही इलाज करा लेते हैं, जब रोग बड़ा हो तब हॉस्पिटल जाते हैं जी। उसी प्रकार मैया ने जितनी पूजा की उस पुण्य का फल तो है उनके पास, पर उनसे जितने पाप हुए थे जाने अनजाने में उन छोटे मोटे पापों का फल था तो भगवान बोले वही भोग लो और डायरेक्ट सीधा मोक्ष के रास्ते से मेरे पास आ जाना। जो यहाँ नहीं भोगता उसे वहाँ भोगना पड़ता है, तो जो यहाँ भोग रहा है वो वहाँ के लिए फ्री रहेगा। इसलिए उनके पुण्यों के कारण उन्हें जो तकलीफ मिल रही है बहुत कम है, भगवान ने बड़े कष्ट को छोटे में तब्दील कर दिया। इसलिए पॉजिटिव रहो। नहीं पॉजिटिव है, अब वो उनका यही लगता है कि अब भगवान का चिंतन करें वह, और बस राम नाम सुबह से शाम तक लेती बस रहती है। और ये मत सोचो कि भगवान ने उनके साथ गलत किया, नहीं गलत नहीं है, ये भोगना कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ ज्यादा को थोड़े में भगवान, तकलीफ बहुत है ना आज के टाइम में, इसलिए बस सब की सदगति होने वाली है। अंतिम समय चल रहा है उनका। राधे राधे।